तालियां बजाइए। जी ये सारे कर्मचारियों का जो चाहे मैं भी कर्मचारी हूँ। सर बिल्कुल सही आ रहा है 97, 87। थैंक यू सर। मैंने ताकि पहले ही से आप कुछ गड़बड़ हो रहा हो पता चल जाए। भाई सर जी ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जनकर आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करें। कन्या पूजन की एक भारतीय संस्कृति की मंत्रालय कर्मचारी संघ के सभी कार्यक्रमों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया गया। यशवंत डोणे जी, रचना बिलगैया, संतोष बड़ोदी, हरीश बाथम, वेंकटेश नायडू, सतीश शर्मा जी, मनोज चौहान जी, स्वास्थ्य सतर्कता केंद्र की स्थापना की गई है कि पूरे कोरोना काल के दौरान देखिए हमेशा से मैंने ये माना है कि कर्मचारी बहन भाई सरकार के अभिन्न अंग हैं। हम जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आपके माध्यम से ही करवाते हैं और अब संकल्प है अपना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मैंने स्वयं अपने आप को उसके लिए झोंका है, दिनों रात काम कर रहा हूं। थोड़ा मूड भी अलग है, तेवर भी अलग है। माफियाओं का तो सफाया होगा, रहने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर। कि कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं दिया जाए, वेतन में ही कटौती कर दी जाए 60%, 75%। अरे ये तो नहीं हो सकता कि वेतन में कटौती हो। वेतन तो पूरा देंगे लेकिन वो भी मजबूरी में। हमने एरियर्स का भुगतान और महंगाई भत्ता जो बढ़ा हुआ देना था वो हम नहीं दे पाए और मेरे मन में वो सदैव सालता सा रहा। जैसे ही आर्थिक स्थिति ठीक होगी ये पूरी की पूरी राशि जो है कर्मचारी भाई बहनों की उनके खाते में जमा हो जाएगी। एक बात और जो मुझे सालती है, देखिए मैं कर्मचारी को कर्मचारी मानता हूं लेकिन दुर्भाग्य से हम वर्गों में बट गए। शासन और संविधान द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं वो मिलना चाहिए, वे विशेषाधिकार हैं, लेकिन हम ऐसे ना बट जाएं कि कर्मचारी कर्मचारी ना रहे, कोई इधर का हो जाए कोई उधर का हो जाए। ये स्थिति ठीक नहीं है। और ये पदोन्नति वाला मामला मुझे सदैव तकलीफ देता है और मैं बहुत जल्दी उसका समाधान सर्वसम्मत समाधान निकालूंगा क्योंकि मेरे दिल में भी पीड़ा है कि बिना पदोन्नत हुए रिटायर हो जाएं लोग। सवाल धन का नहीं है, पैसे का नहीं है, सवाल सम्मान का भी होता है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद और नए साल की शुभकामनाएं। ये नया साल आपकी जिंदगी में और मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लेके आए और हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सफल हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।